been challenged. Kimmy ki takega. Why will you leave aisa kuch and move to a city? Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to a brand new video. ये होने वाला है एक और vlog. I am back home and suddenly I am just like so excited to vlog. ये वाला vlog होने वाला है again 2-3 दिन का collective vlog. तो आज I have just woken up थोड़ी देर पहले. मेरे बाल वैसे ही oily हो गए but मुझे ना oil लगाना है because I have to do my head wash आज. तो मैं ये वाला oil लगाऊंगा. I am actually liking it. तो ये इस टाइप का दिखता है. As you can see, इसमें अंदर roots, जड़ी बूटी टाइप वाइब इसकी आती है. While I'm oiling my hair, let me just tell you itinerary क्या होने वाली है आज की. आज हम जा रहे हैं मेरे फार्म. तो हम गांव जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब मैं और मम्मी ही जा रहे हैं. फिर कल वोट डलेंगे. पापा इज अवे एक्चुअली फॉर इलेक्शन ड्यूटी, सो वो उनका वोट तो वहीं पे ही पड़ेगा. कल वोट डाल के हम जाएंगे मेरे मामू के घर. मुझे एक्चुअली ऑयल रात को लगाना था अपने बालों में. आई वाज सो टायर्ड फ्रॉम माई वॉक कि मैं लिटरली सो गई. आई लिटरली क्रैश्ड. ऑल्सो यू गाइज, मैंने ना हेयर केयर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है. सो इफ़ यू वॉन्ट लाइक अ प्रॉपर इन डेप्थ video about all the products that I'm using and just my journey, so I will make sure to leave a link to that video over here. You can go watch it. Okay guys, breakfast is ready. Aaj bana hai poha. I'm gonna have this with 2 egg whites and this. Abhi maine nuts bhi khaya hai, wo kha liya. आई एम डन विद माई ब्रेकफेस्ट एंड मैंने ना कुछ ऑप्शन निकाले थे पहनने के लिए. सो आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू वेयर दिस. ये चिकनकारी कुर्ती मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजी है. दिस इज कॉल्ड चिकनकारी बॉक्स. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनको टैग कर दूँगी. ये इतनी सुंदर सा चिकनकारी कुर्ता भेजा है लाइलैक कलर में. मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं. 20 minutes later. सो आई वॉज थिंकिंग टू वेयर दिस आज, बट मुझे लग रहा है कि कल वोट के लिए ये अच्छा लगेगा, तो आई माइट वेयर दिस टुमारो. ओके, पीजे सेट मैंने कर लिया है. एक ये H&M से है, दिस हार्ट प्रिंट वन, इट हैज़ माय हार्ट. एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने फ्लैट्स भी कर दिए हैं. बैग दैट आई वांट टू कैरी टुडे इज दिस टेलफार बैग. आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद इट. मैंने ये पर्ल की माला ऐसे इसमें लगा ली. थोड़ी सी अगर ये छोटी होगी तो ज़्यादा क्यूट लगेगी, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट पॉप दिस एंड आई थिंक सो इट लुक्स वेरी क्यूट. तो मेरे पास दो ऑप्शन है. एक आई हैव दिस ऑप्शन, ओके दिस वेस्ट साइड वन, बट अभी ये आयन करना पड़ेगा. बट आई लव इट, आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी प्रिटी. एंड दूसरा ऑप्शन मेरे पास है वो है ये. आई एक्चुअली आई एम थिंकिंग, होल्ड ऑन, मेरे पास ना ये सूट भी है. सो दिस सूट बेसिकली हैज़ टैसल्स नीचे एंड यहाँ पे, एंड आई नेवर वॉर्न इट. आई माइट वेयर दिस टुडे. गाइस, सो वी हैव टेकन अ पिट स्टॉप हैविंग आवर लंच. इन्हें तो अपना कर लिया है सिड्डू ऑर्डर. शी इज़ हैविंग नमकीन सिड्डू. हेलो, यस, आर यू इग्नोरिंग माय व्लॉग? नो. अपने चैनल वाले, अब अपने चैनल वाले हैं ना, हम उसी में बिजी हैं. औरों के चैनल में अपीयरेंस देंगे नहीं. तो क्या बोल सकते हैं. आई ऑर्डर्ड आलू का परांठा, इसके साथ देंगे राजमा. दिस इज व्हाट आई एम हैविंग. कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की है, विच इज़ नॉट गुड. Day 2. Good morning, you guys. It is the next day. कल रात को I was feeling so horrible. My back pain just flared up. If you guys have been around, you guys know last year I had a major fall. And उसके बाद से my back is giving me a lot of trouble. I have started working out. तो normal life में इतना pain नहीं होता है, but because पिछले एक हफ्ते से I've been driving a lot, like over 100 kilometers almost every other day. तो इट्स बिन चैलेंजिंग. एंड मुझे पूरे रास्ते इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी. फिर ना वो पेन मेरी एक साइड में हो रहा था, लाइक लेफ्ट साइड ऑफ माई हिप बैक. वो पूरा ट्रैवल डाउन कर रहा था मेरे लेग तक. तो ओ माई गॉड, इट वॉज जस्ट सो पेनफुल. एंड हम सुबह 11 बजे शिमला से चले थे, हम 7 बजे घर पहुँचे इधर. सो पूरा दिन ट्रैवलिंग था, नंबर वन. दैन मॉम वॉज लाइक कि मे बी माई पीरियड्स आर लाइक अबाउट टू अप्रोच, इसलिए वो पेन हो रहा है. एंड दैट जस्ट हिट मी. आई वाज लाइक येस. फॉर माय फॉल मेरी लेग्स एंड माय स्टमक यूज टू हर्ट. एवर सिंस माय फॉल माय बैक आल्सो समटाइम एक्स सो बैडली. तो कल बस वही था. बाय द टाइम आई रीच्ड बैक होम, हम अपना खाना शिमला से ही घर से पैक करवा के लेके आए थे. तो मम्मी ने सुबह ही बना दिया था मटर पनीर, एंड रात को हमने वही खाया बिकॉज वी न्यू कि हम लेट पहुँचेंगे एंड वी विल नॉट बी इन द हालत ऑफ लाइक मेकिंग खाना. सो वी जस्ट मेड रोटीज एंड हैड दैट विद पनीर.
एंड आई वॉज नॉट इन द हालत ऑफ फिल्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट. आज भी आई हैड लाइक अ सुपर चिल्ड आउट डे. मैं घर पे ही हूँ अभी. आज है इलेक्शन डे ओवर हियर. मम्मी अभी एक्चुअली नीचे प्रॉपर गाँव में गई है. शी विल कम एक दो घंटे में एंड देन वी विल गेट रेडी. और हम जा रहे हैं वोट करने. वोट करने के बाद हम जाएंगे मेरे मामू के घर. तो हम स्पेशली वोट करने आए हैं बट फिर हम जाएंगे मेरे मामू के घर. एनीवेज मैं आज का वेदर दिखा देती हूँ बिकॉज आई नो इफ यू आर इन द हीट बिकॉज दिल्ली में इस वक्त 50 डिग्रीज हो रहा है. ओके एंड यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है. आज तो बहुत ही अच्छा है. इफ आई जस्ट शो यू अराउंड मतलब इट फील्स लाइक इट्स गोना रेन. एक्चुअली देख रहे हो इनफैक्ट ये रोजेज भी बाहर बिल्कुल मुरझा गए हैं बेचारे बिकॉज ऑफ द हीट. इनफैक्ट दिस इज द एंट्री. डू यू सी? यू गाइस मस्ट बी लाइक विशाखा व्हाई विल यू लीव ऐसा कुछ एंड मूव टू अ सिटी. लाइक अगर हम आपकी जगह होते हम यहीं पे रहते एंड आई वुड टू बट यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत है एंड यू गेट बोर्ड. यू हैव नथिंग टू डू सो पूरा दिन ना वो थोड़ा सा बोरियत आ जाती है. प्लस हमारा ना हाउस बिल्ड हो रहा है तो ये वाला हाउस है मैनी ईयर्स ओल्ड. आई थिंक सो 2008 या 9 का ये वाला घर है. ये ऊपर अब हम बना रहे हैं अपना प्रॉपर घर जो जिसमें प्रॉपर किचन होगी हमारे रूम्स होंगे. तो ये भी कुछ टाइम में रेडी हो जाएगा. देन यू माइट सी मी यहाँ पे अलॉट. अभी क्या होता है ना हम हार्डली यहाँ पे होते हैं पर यहाँ पे मेनली आते हैं फॉर लाइक ऑर्चर्ड एंड ऑल का काम के लिए. वीकेंड्स पे आ गए जब ये बन जाएगा देन आई थिंक सो आई विल लिव हियर अलॉट. एंड द थिंग दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर इज हमारा गार्डन एरिया. साइड ऑफ द हाउस में ना ये हमारा गार्डन एरिया बनेगा. यहाँ पे हम सीटिंग सोफा टाइप रखेंगे. ये कवर रहेगा एंड उस तरफ पूरा फेंस एंड ऑल करके बनेगा सुंदर सा गार्डन. Oh my god, this house जब ये बन जाएगा it will be a vibe. Guys, what I'm gonna do is I'm just gonna get ready because mummy आएगी ना तो I don't want कि हम और late हो जाए. तो yeah, now I'm gonna get ready. I have to film also. Like film and get ready with me. तो yeah, I will see you once I'm ready. Okay, so I was busy ironing our clothes. ये मैं कल सोच रही थी पहनने का but because mummy is wearing this for voting today, it's a beautiful, I don't know कौन सा material ये है. इस मटेरियल में ये चिकनकारी वर्क है तो मम्मी ये पहन रही है. मैं पहन रही हूँ ये पर्पल चिकनकारी विथ दुपट्टा एंड वाइट प्लाजोस. तो हम सॉर्ट ऑफ ट्विनिंग कर रहे हैं इसके साथ ना यू गाइस. इसके साथ आई हैव गॉटन दिस बैग आल्सो व्हिच इज सो क्यूट. ये थोड़ा सा ब्राइट पर्पल में है बट आई थिंक सो दिस विल गो परफेक्टली विद दिस. हेलो जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून जी. अंधेरे में आ रहे हो थोड़ा सा. हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून. ये मम्मी पूरा अपना ट्रेडिशनल आउटफिट में सदरी विद क्योंकि मैं गई थी अपने गांव तो गांव के हमारी ये ट्रेडिशनल ड्रेस तो मैंने पहनी है ये मैचिंग मैचिंग सब कुछ. चलो इधर. तो मैं अभी तक मैं सोची थी रेडी हो जाती हूँ जब तक आप आओगे. मैंने लंच बॉक्स वगैरह भी पैक करके रख दिए धो के. मैं सोचा कि आपकी आउटफिट भी प्रेस कर लेती हूँ. वाह, पहली बार जिंदगी में. मैं कहा बहुत खुशी है सुन के देख के तो बहुत खुशी कि अब हमारी बेटी अब बस यार मम्मी प्लीज यार प्लीज जवान मतलब जवान होने वाली है मम्मी प्लीज यार 31 में कौन सी जवान. मैं सारे काम वैसे भी करती हूँ. चलो ठीक है. नहीं करते सब कुछ है लेकिन ऐसा नहीं दिमाग में कभी चलो मम्मी आज तो प्रेस करो. आज पहली बार क्या ना. हाँ आई एम फर्स्ट टाइम किया. हाँ आता तो सब कुछ है. आता तो सब कुछ है. आता सब कुछ है. हाँ थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. और ये हमने उस दिन लिया था मम्मी का न्यू पेंडेंट डायमंड पेंडेंट विच इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. बिल्कुल ऐसे ना आपके उस पर बिल्कुल चमक रहा है इस वक्त है इस गले में. हाँ एनी वेज हम पर्पल पर्पल मैचिंग मैचिंग आउटफिट पहन रहे हैं. तो मम्मी कितनी देर में निकलना है? We are done with our watch. Luckily, जिस टाइम पे हम आए हैं कोई रश नहीं था. एक आंटी थी हमारे आगे सिर्फ. मिस 4:40 नाउ. तो अभी हमारे पास टाइम है. लाइक आई सेड मामू के घर जा रहे हैं इसके बाद हम. तो अभी थोड़ा टाइम है तो हम अपनी कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं. Guys,
सो वी आर एट हाटकोटी, सामने मंदिर है. वंस वी कम आउट फ्रॉम देयर आई सी यू. शादी से आपके लिए अब ये मामू के घर में धो के सबको दे देंगे. थोड़ा थोड़ा Day 3. Good morning, you guys. It is the next day. Oh my god, my back has flared up so badly. I feel this trip pe na, I am the one who's just been sick. तो मैं ना मतलब पूरी रात आई कुड नॉट स्लीप. सुबह मम्मी उठी तो आई थिंक मुझे सुबह 6 बजे नींद आई होगी. 6:00 राइट नाउ, तो 6 to 8:30 आई स्लेप्ट थोड़ा सा. अभी आई एम जस्ट गोना टेक अ शावर, गेट रेडी, फिर बड़े मामू के घर थे फॉर डिनर, तो अब हम मिडिल वाले मामू के घर जाएंगे एंड मेरे छोटे मामू के भी जाएंगे जस्ट फॉर सम टाइम एंड देन वी लीविंग फॉर शिमला. सो यहाँ पे तो इतनी प्यारी धूप लगी है. लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. पूरे गुड मॉर्निंग यू गाइज. इट इज आई वांट टू से 3 days लेटर. मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल वेल एंड जब से मैं शिमला भी आई हूँ ना, मैं लिटरली बेड रेस्ट पे ही हूँ. साइड ऑफ माई बैक यहाँ पे मुझे पेन आ रहा है. तो अभी आज सुबह टाइम क्या हो रहा है, 9:29 एंड वी आर हेडिंग टू द हॉस्पिटल. मुझे 3 nights है आई एम नॉट एबल टू स्लीप. ओके, मैं चल रही हूँ तो पेन है, बैठी हूँ तो पेन है, लेटी हुई हूँ तो पेन है. सो इट्स रियली गेटिंग बैड. तो गाइज दिस इज माई outfit to go to the hospital. I've kept the look very very simple. Shoes are from H&M. Jeans are actually from Zara. So I'm wearing a t-shirt. ये थोड़े से greyish color में है. This is from All Saints and my bag is Louis. There is a slight change of plan. मैं actually ये bag नहीं उठा रही हूँ because this bag has gotten quite heavy and मुझे अभी heavy लग रहा. तो मुझे ना bag पे strain नहीं डालना है. So I'm gonna carry this bag and just carry my bare essentials.